दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हमारे बच्चों के संस्कार बहुत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हिंदी वर्णमाला के साथ साथ हिंदी गिनती से भी दूर हो चुके हैं। हमारे नौनिहाल अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास के साथ साथ हमारे पौराणिक पात्रों से भी अनजान हो चुके हैं। कॉन्वेंट में पढ़ रहे बच्चों को मदर मेरी, जीसस क्राइस्ट और सेंट जोसेफ के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भीष्म पितामह कौन है, परशुराम कौन है और महर्षि दधीचि कौन है। और फादर इन हेवन की प्रेयर उन्हें याद है, लेकिन भगवान की किसी प्रार्थना से उनका कोई रिश्ता नहीं बचा है। पश्चिमी सभ्यता की आंधी में हमारे बच्चे बहुत तेजी से भागते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद 31 को नए साल का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में शायद ही आए कि हमारा नया साल तो चैत्र नवरात्रि में आता है, जिसे हम गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। धीरे धीरे हमारे त्योहारों पर भी पश्चिमी बेतु के त्यौहार हावी होते जा रहे हैं। बच्चों को वैलेंटाइन डे तो याद रहता है, लेकिन बसंत पंचमी वो भूल चुके। 31 उन्हें याद रहता है, लेकिन गुड़ी पड़वा वो भूल चुके। और फादर इन हेवन की प्रार्थना उन्हें याद है, लेकिन हे प्रभु आनंददाता वो भूल चुके। गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना उन्हें याद रहता है, लेकिन जय श्री कृष्णा और हरिओम वो भूल चुके। ईसाइयों के पॉप उन्हें याद है, लेकिन हमारे शंकराचार्य को वो भूल चुके। चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाना उन्हें याद रहता है, लेकिन मंदिर में जाकर दिया जलाना वो भूल चुके। फादर्स डे मदर्स डे उन्हें याद रहता है, लेकिन माता पिता के पैर छूना वो भूल चुके। क्रिसमस ट्री वो बड़े प्यार से सजाते हैं, लेकिन घरों में रंगोली बनाना भूल चुके। मदर टेरेसा उन्हें महान लगती है, लेकिन बाबा रामदेव उन्हें ठग लगता है। जीसस क्राइस्ट के किस्से उन्हें चमत्कार लगते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं, महाभारत की कहानी उन्हें बोरिंग लगती है। सेंटा क्लॉज उन्हें क्यूट नजर आता है, लेकिन सनातनी संत उन्हें अच्छे नहीं लगते। उनसे तर का मतलब उन्हें पता नहीं, लेकिन अंग्रेजी नॉवेल उन्हें बखूबी पसंद आते हैं। जॉन ऑफ आर्क की कहानियां उन्हें याद रहती है, लेकिन तेनालीराम पंचतंत्र वो भूल चुके। लेकिन इसमें भी सारी गलती बच्चों की नहीं, क्योंकि हमने ही तो उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में डाला है। कल एक मैसेज पढ़ा था कि 3 अभूतपूर्व गलतियां जो भारत ने की है, उसमें पहली ये थी कि बच्चों की शिक्षा हमने मिशनरियों को सौंप दी। दूसरी गलती जो हमने की वो ये कि इतिहास हमने वामपंथियों के ऊपर छोड़ दिया। और तीसरी गलती जो हमने की कि मनोरंजन की दुनिया को हमने इस्लामिक जिहादी सोच रखने वालों पर छोड़ दिया। लेकिन अभी भी वक्त है, जाग जाइए, नहीं तो बात हाथ से फिसल जाएगी। हमारे बच्चे भोले जरूर हैं, लेकिन वो कुशाग्र हैं, उन्हें बस थोड़ा समझाने की देर है। एक बार वो हमारे इतिहास से, पौराणिक कहानियों से, महिमामय संतों से जुड़ गए तो खुद समझ जाएंगे कि सनातन धर्म दुनिया का श्रेष्ठतम है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति का हिस्सा है जिसमें दुनिया को सिर्फ प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया है। औरों ने काटे होंगे गले बेगुनाहों के, लेकिन हमने सिर्फ प्यार का पैगाम दुनिया को सुनाया है। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।